आज हम आपको कुछ ऐसे योगासन बताने वाले हैं जिनको करने से वास्तव में आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होती है, पाचन तंत्र मजबूत बनते हैं, पाचन अग्नि भी प्रज्वलित होती है, जिसके कारण खाया पिया सारा भोजन आसानी से हजम हो जाता है और आपके शरीर को भी लगता है, तो आपका शरीर भी हष्ट पुष्ट मजबूत और स्वस्थ बने रहता है। अगर आपको हमेशा स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले डाइजेशन को ठीक करना होगा, पाचन तंत्र को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि सब रोगों की मूल जड़ कमजोर पाचन तंत्र ही है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने के कारण ही नए नए रोग पनपते हैं, हम बीमार होते हैं। अगर आपको अपचन की क्रिया होती है यानी खाना ठीक ढंग से नहीं पचता, खाना पेट में पड़े पड़े सड़ा रहता है, गैस, एसिडिटी, कब्जियत, खट्टी डकारे व बदहजमी होते हैं, पेट व सीने में दर्द व जलन होती है, तो आप समझ जाइए आपके पाचन तंत्र कमजोर है। अगर आपको कभी कभार गैस व एसिडिटी हो जाए तो ये नॉर्मल है, परंतु अगर आपको ऐसी समस्याएं रोज होती रहती है तो ये नॉर्मल नहीं है, आपका डाइजेशन खराब है। तो अगर आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, पाचन तंत्र की गड़बड़ी को दूर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया कुछ योगासनों को लगातार निरंतर 1 महीने तक करके देखें, आपकी पाचन तंत्र की क्रिया सुधरती जाएगी, पाचन तंत्र मजबूत बनेंगे। ये कौन कौन से योगासन है, हमें इन योगासनों को किस तरह से करना है, आसनों में कितनी देर तक रुकना है, कितनी बार रिपीट करना है और इनके फायदे क्या क्या हैं, पूरी बात हम आपसे शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार योग मित्रों, मैं हूं आपका योग मित्र ध्यान सन्यासी और योगा एक्सपर्ट राजेंद्र, आप सभी को फिट बने रहो में स्वागत है। अब योगासनों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रथम योगासन बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इस आसन में रुकने मात्र से पाचन से संबंधित गड़बड़ियाँ दूर हो जाती है, पाचन तंत्र मजबूत बनते हैं, जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पीठ के बल जमीन पर लेट जाना है, अपने दोनों हाथों को नितंबों के पास रखें, दोनों पैरों को एक आपस में जोड़ लें और धीरे से अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री पर स्थित करें। शुरुआत में आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार रुकना है, आप चाहें तो कम से कम 30 सेकंड तक रुक सकते हैं या फिर कम से कम 1 मिनट तक रुकें। इस आसन में रुके रहने से आपके पाचन तंत्र के सभी अंगों में जो स्ट्रेचिंग होती है, जो एक प्रकार का व्यायाम होता है, बस उसी के कारण आपके समस्त पाचन अंग मजबूत बन जाते हैं, पाचन तंत्र के अंगों में रक्त का संचार होने लगता है। धीरे धीरे वापस इस आसन से बहुत ही सिंपल तरीके से आपके पाचन तंत्र मजबूत बनते हैं, बस आपको इस आसन में रुके रहने की क्षमता को बढ़ाना है। इस आसन को आप कम से कम 3 बार रिपीट करें। अब दूसरा योगासन भी बेहद ही खास है, क्योंकि इस योगासन में आपके शरीर का पूरा भार आपके नाभि तंत्र पर और आपके समस्त पाचन तंत्र पर पड़ता है, जिसके कारण आपके पाचन तंत्र की समस्त गड़बड़ियाँ दूर होती है, पाचन तंत्र में सुधार होता है। इस योगासन को करने के लिए हमें अपने पेट के बल व फिर नाभि के बल जमीन पर लेट जाना है, अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लें या फिर एक आपस में जोड़ लें, दोनों हथेली को आगे की ओर फैलाएं, संपूर्ण शरीर का भार पेट व नाभि पर टिकाते हुए श्वास लेते हुए हाथ व पैर को आसमान की ओर उठाएं। यथासंभव इस स्थिति में रुके रहें। इस स्थिति में रुकने मात्र से आपके पाचन तंत्र के समस्त अंगों में रक्त का संचार होने लगता है और पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली में भी सुधार होता है। कम से कम 30 सेकंड रुकें या फिर कम से कम 1 मिनट तक रुकें। धीरे धीरे वापस थोड़ी सी विश्राम कर लें। इस आसन को भी 3 बार रिपीट करना पर्याप्त होता है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। अब तीसरा योगासन और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए और पाचन तंत्र के समस्त गड़बड़ी को दूर करने के लिए इस आसन को रामबाण माना जाता है। बहुत से योगीजन अगर पाचन तंत्र कमजोर है, पाचन तंत्र खराब है, तो इसी योगासन को करने का परामर्श भी देते हैं, तो हम भी चाहते हैं इस आसन को आप जरूर ट्राई करें। इस आसन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप वज्रासन में बैठ जाएं,
दोनों पैरों को मिलाकर इस तरह से बैठ जाएं। एक हाथ से मुट्ठियाँ बना लें और दूसरे हाथ को उस मुट्ठी के नीचे रखें और मुट्ठी वाले हाथ को अपने नाभि क्षेत्र पर टिकाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं। अपने सिर को भी जमीन पर स्पर्श करा दें। अपनी क्षमता अनुसार रुके रहें। आपको इस आसन में कम से कम एक मिनट तक रुकना है। धीरे धीरे वापस। आसनों को करने से ना किसी भी प्रकार की चमत्कार घटित नहीं होता है। आसनों में रुकने से जो भी हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं, हमारे पाचन तंत्र के अंदर जो भी परिवर्तन होती है, जो भी पाचन तंत्र में मजबूती आती है, पाचन तंत्र की जठराग्नि भी बढ़ जाती है और पाचन तंत्र की जो कार्य प्रणाली होती है अगर वो सुधरती है, उसी के कारण हमारी पाचन तंत्र मजबूत बनते हैं, उसी के कारण पाचन तंत्र की समस्त गड़बड़ियाँ दूर होती है। तो आपको चेष्टा करनी है कि आसन में अधिक से अधिक समय तक रुके रहें। इस आसन को भी आप कम से कम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अब चौथा योगासन तो हर किसी को करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद आपको वज्रासन में बैठना है। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। खाने के तुरंत बाद अगर आप इस आसन को करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे। आपको मेरे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।